कंपोनेंट्स ऑफ फूड और वो चैप्टर आप लोगों का कंप्लीट हो चुका है। आज जो फर्स्ट चैप्टर हम लोग का है उसका बुक वर्क में आप लोगों को समझाई थी बुक से ही, आज यहाँ पे मैं आंसर लिखती हूँ। आप लोग अपना बुक खोलिए अभी तुरंत और इस आंसर को मिला लीजिए कि आपने उसको सही बनाया है कि नहीं बनाया है, ठीक है। टोटल आंसर को मैं बोलती जाऊंगी, आप अपने बुक में उसको मिला के और लिखते जाइएगा, यदि नहीं बनाए हो तो लिख लीजिए और टिक लगा लीजिए, ठीक है। ये फर्स्ट चैप्टर का है फूड एंड इट्स सोर्सेज, इसके बाद में आप लोगों को सेकेंड चैप्टर का बुक वर्क भी अच्छी तरह से समझा दूंगी। फर्स्ट में जो है चूज द करेक्ट ऑप्शन, पेज नंबर 14, फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर द सब्सटेंसेस प्रेजेंट इन फूड दैट आवर बॉडी नीड्स टू ग्रो एंड स्टे हेल्दी। कौन से सब्सटेंस की जरूरत हमारे बॉडी को है, किस लिए ग्रो और हेल्दी रहने के लिए हमारे बॉडी को किस सब्सटेंस की जरूरत है, तो इसमें है सोर्सेज, न्यूट्रिएंट्स, नरिशमेंट एंड कंपोस्ट। तो इसमें क्या होगा आंसर, न्यूट्रिएंट्स, फर्स्ट आंसर बी, ठीक है। सेकेंड, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन एडिबल स्टेम, इसमें पोटैटो, ब्रोकोली, कैरोट, लेडीज फिंगर, इसमें स्टेम कौन सा है जो हम खाते हैं, एडिबल स्टेम, तो इसका आंसर होगा ए। ए में क्या लिखा हुआ है, पोटैटो, पोटैटो इज द एडिबल स्टेम। थर्ड, इन कैबेज वी ईट द डैश ऑफ द प्लांट, कैबेज का कौन सा पार्ट हम लोग खाते हैं, तो इसका आंसर होगा बी, आंसर इज द बी, लीव्स, ठीक है। फ्रूट, लीव्स, रूट, फ्लावर, ये सब नहीं होगा, बी लीव्स होगा। फोर में है डैश इज अ हर्बीवोर इन द फॉलोइंग लिस्ट ऑफ एनिमल्स, यहाँ पे एनिमल्स का नेम दिया हुआ है, ड्रैगन फ्लाई, क्रो, लॉयन, हॉर्स, ठीक है। इसमें हर्बीवोर एनिमल कौन सा है, तो हॉर्स, सी, फाइव आंसर सी, ठीक है। ये इतना हो गया, अब इसके बाद आपको फोर्थ आंसर डी, हॉर्स लिखा हुआ है। इसके बाद ये फाइव, आइडेंटिफाई द एनिमल्स दैट इज नॉट कंसीडर्ड एज स्केवेंजर्स, इस एनिमल्स यहाँ पे दिए हुए हैं वॉल्चर, हाइना, मस्क्यूटो, क्रो, इसमें स्केवेंजर कौन सा एनिमल स्केवेंजर नहीं है, तो इसमें मस्क्यूटो जो है वो स्केवेंजर नहीं है, तो इसका आंसर क्या हो गया फाइव का, सी, ठीक है। नेक्स्ट जो है बी क्वेश्चन, फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग द करेक्ट वर्ड्स, तो फिलिंग द ब्लैंक्स फर्स्ट है फूड गिवन डैश टू डू वेरियस एक्टिविटी, फूड हमें वेरियस एक्टिविटी करने के लिए क्या देता है, तो एनर्जी, फर्स्ट है फिलिंग द ब्लैंक्स में भरिएगा एनर्जी। सेकेंड, ग्रीन प्लांट्स आर नॉन एज डैश, ग्रीन प्लांट्स को क्या कहते हैं, तो ग्रीन प्लांट्स आर नॉन एज प्रोड्यूसर, सेकेंड में प्रोड्यूसर। थर्ड, वी ईट डैश ऑफ द सैलरी एज फूड, हम जो है सैलरी मतलब अजवाइन, उसका हम क्या खाते हैं फूड के रूप में, वी ईट स्टॉक, थर्ड का आंसर स्टॉक। फोर, हनी बीज कलेक्ट डैश फ्रॉम फ्लावर्स टू मेक हनी, हनी बीज फ्लावर से क्या कलेक्ट करती है हनी बनाने के लिए, शहद बनाने के लिए क्या कलेक्ट करती है, तो हनी बी कलेक्ट नेक्टर फ्रॉम फ्लावर्स, आंसर होगा फोर का नेक्टर, ठीक है। फाइव में है ईच इज एन एग्जाम्पल ऑफ डैश, क्या होगा पैरासाइट, आंसर होगा ईच, क्या चीज का एग्जाम्पल है, पैरासाइट का एग्जाम्पल है, तो फाइव आंसर, आंसर इज पैरासाइट।
फाइटेंसर पैरासाइट, इतना हो गया। नाउ सिक्स, स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स। इसके बाद आप ट्रू फॉल्स देखिए। कैबेज इज ए फ्लावर दैट वी ईट। कैबेज क्या है? फ्लावर है जिसे हम खाते हैं। ये सही है कि गलत है? तो दिस इज फॉल्स। फर्स्ट जो है ट्रू और फॉल्स का, वन का जो है ये फॉल्स है। क्या है ये? फॉल्स। सेकेंड, हनी कम्स फ्रॉम अ प्लांट सोर्स। हनी जो है प्लांट सोर्स है। शहद हमें कैसे मिलता है? तो ये हनी जो है एनिमल सोर्सेज है। प्लांट से नेक्टर कलेक्ट होता है, बट हनी बनाने का काम कौन करता है? हनी बीज करती है, तो एनिमल सोर्सेज हो गया, तो ये भी फॉल्स है। सेकेंड का आंसर भी फॉल्स होगा। थर्ड, क्लोन इज ए ड्राई फ्लावर। क्लोन मीन लॉन्ग, तो ये क्या है? ड्राई फ्लावर है, एंड दिस इज द ट्रू आंसर। तो ये हो गया आपका क्लोन इज ए ड्राई फ्लावर, ट्रू। थर्ड का आंसर ट्रू। फोर्थ, स्केवेंजर्स आर कार्निवोर्स। स्केवेंजर्स जो होते हैं वो क्या है? ये कार्निवोर्स होते हैं, मांसाहारी होते हैं। तो ये आंसर क्या है? ट्रू है। स्केवेंजर्स भी जो है वो फ्लैसीटर है। तो ये आंसर आपका फोर का क्या हो गया? दिस इज द ट्रू आंसर। आंसर इज ट्रू। वन ट्रू लिख दीजिए। फिफ्थ है, शूट ऑफ बैम्बूज आर यूज एज फूड। बैम्बू मीन्स बांस, तो उसका शूट जो है वो फूड के रूप में यूज किया जाता है। ठीक है, तो ये ट्रू आंसर हुआ। फाइव का आंसर ट्रू। ये एकदम हो गया। नाउ डी, सी तक हो गया है ट्रू फॉल्स। अब इसके बाद में हमें देखना है, नेम ईच ऑफ द फॉलोइंग इन वन वर्ड। वन वर्ड इसमें सिर्फ आपको आंसर में लिखना है। यू हैव टू राइट आंसर इन वन वर्ड ओनली। ओके, तो वन वर्ड में हम देखेंगे, फर्स्ट है गिव एन एग्जाम्पल ऑफ ओमनीवोर्स। गिव एन एग्जाम्पल ऑफ ओमनीवोर्स। ओमनीवोर्स एनिमल्स बहुत सारे हैं। ओमनीवोर्स मीन्स जो कि प्लांट ईटर भी है और फ्लैश ईटर भी है। तो इसका एक एग्जाम्पल सिर्फ देना है। एग्जाम्पल भी लिख दीजिए, डियर्स, या आप अपने मन से क्रो भी लिख सकते हैं, ह्यूमन बींग्स भी लिख सकते हैं। ठीक है, कोई एग्जाम्पल लिखना है। सेकेंड, विच कैटेगरी ऑफ फूड सोर्सेज डू एग्स कम फ्रॉम? प्लांट सोर्स और एनिमल सोर्स। फूड सोर्सेज में जैसे एग हम लोग खाते हैं, तो वो क्या है? प्लांट सोर्स है या एनिमल सोर्स है? किससे हमें मिलता है? तो आप लोग बताइए, किससे मिलता है ये? एनिमल से मिलता है, हेन से मिलता है, या गोट से मिलता है, या डक से मिलता है। तो ये एनिमल सोर्सेज हो गया। तो यहाँ पे आंसर क्या होगा? आंसर इज द एनिमल सोर्स। सेकेंड आंसर एनिमल सोर्स। सेकेंड का आंसर क्या होगा? एनिमल सोर्स। एक हम लोग को किसी से मिलता है? एनिमल से, तो एनिमल सोर्सेज। ठीक है, थर्ड, थर्ड इज अ नेम एंड एडिबल लीफ यूज एज एन इंग्रेडिएंट्स इन ड्रिंक्स। ठीक है, जो हम ड्रिंक्स लेते हैं जैसे कॉफी या टी, तो उसमें किस लीफ का हम यूज करते हैं? किसी एक लीफ का नेम बताना है, एडिबल लीफ जो हम यूज करते हैं। तो यहाँ पे आप टी लीव्स लिख सकते हैं, टी लीव्स। ठीक है, जो हम लोग चाय पीते हैं। तो यहाँ थर्ड का आंसर क्या होगा? सही आंसर टी लीव्स इज द आंसर। फोर, नेम द फूड प्रोडक्ट ऑब्टेन फ्रॉम ए हेन। हेन से हमें कौन सा फूड मिलता है? आप लोग सभी लोग जानते हैं, हेन से एग मिलता है। फोर का आंसर क्या होगा? एग। ठीक है, ओके। नाउ फिफ्थ, एनिमल्स दैट ईट द रिमेन्स ऑफ डेड एनिमल्स।
एनिमल का नाम बताइए जो डेड एनिमल्स का बचा हुआ पोर्शन, जैसे किसी एनिमल ने शिकार किया, उसको मारा और खाया, और जो बचा हुआ है फ्लैस्टो, उसको कौन खाता है? तो स्केवेंजर्स खाते हैं, बताया आप लोगों को। तो आपको एनिमल का नाम बताना है कि वो डेड पार्ट जो है, रिमेनिंग बचा हुआ डेड पार्ट जो है, उसको कौन खाता है? एनिमल दैट ईट द रिमेन्स ऑफ डेड एनिमल्स, उसको क्या कहते हैं? उसको स्केवेंजर्स कहते हैं, ठीक है। जैसे हाइनस हो गया, उल्फ हो गया, ब्रैकेट में उसके नेम भी लिख सकते हैं, और एनिमल्स को कहा जाता है स्केवेंजर्स, ठीक है। और स्केवेंजर्स का एग्जाम्पल आपके बुक में दिया हुआ है, स्केवेंजर्स, तो उसमें आप लिख सकते हैं स्केवेंजर्स किसके किसको कहते हैं। तो इसमें हाइनास, फॉक्सेस, वॉल्चर, गिद, वो नेम भी आप ब्रैकेट में लिख सकते हैं। यहाँ पे मैं लिखते रही हूँ, स्केवेंजर ऐसे इसका आंसर है, लेकिन ब्रैकेट में लिख दे रही हूँ हाइनास, ठीक है, या फॉक्सेस। ये आपको सही से समझ में आया, इसलिए मैं इसका नेम लिखती हूँ। तो फाइव का आंसर क्या होगा? फॉक्सेज या है स्केवेंजर्स, ठीक है। तो ये आपका बुक वन हो गया। और ई में जो क्वेश्चन आंसर है, व्हाट इज स्टेपल फूड, व्हाट आर कार्निवोर्स, सेकंड थर्ड व्हाट आर पैरासाइट्स, फोर क्वेश्चन नेम एनी फोर प्लांट्स विद ईट रूट्स आर यूज एज वेजिटेबल्स, एंड फिफ्थ में है नेम द एनिमल्स दैट गिव अस मिल्क, मेंशन द प्रोडक्ट दैट कैन बी मेड फ्रॉम मिल्क। ये सब आंसर जो है मैं आपको पीडीएफ में लिख के भेज चुकी हूँ, इसको आप अपने कॉपी में लिखिए और आप ये पूरे चैप्टर को आप लोग याद करना शुरू कर दीजिए। इसके बाद मैं सेकेंड चैप्टर जो है कॉम्पोनेंट्स ऑफ फूड, उसका बुक वर्क इसी तरह लिख कर आप लोगों को बता दूंगी और उसको आप लोग मिला लीजिएगा। अभी आप लोग का सेकेंड चैप्टर का बुक वर्क, दिस इज द होमवर्क, आप खुद से पहले बनाइए, पेंसिल से लिखिएगा, पेन से नहीं लिखिएगा बुक में, पेंसिल यू हैव टू राइट विथ पेंसिल नॉट पेन, ओके, पेंसिल से लिखिएगा। और जब मैं आंसर बताऊंगी उसमें खुद से देखिएगा कि आपने कितना सही बनाया है, गलत होगा उसको सही कर लीजिएगा, सही होगा तो अच्छी बात है, ठीक है। और फिर मैं आप लोग को सेकेंड का बुक वर्क जो है ए बी सी एंड डी, ये मैं आप लोग को बता दूंगी, और इसका जो क्वेश्चन आंसर है उसका पीडीएफ मैं आप लोग को ई का और एफ का भेज दे रही हूँ, वो आप लोग देख लीजिएगा, ओके। और इतना आप लोग का समझ में आ गया, यदि कोई प्रॉब्लम हो तो यहाँ मेरा मोबाइल नंबर है, मोबाइल नंबर से आप लोग कॉल करके प्रॉब्लम अपना सॉल्व कर लीजिएगा, ओके। हैव ए नाइस डे।